यार लंबे समय से छुट्टी पे रहने के बाद फाइनली मुझे तुम लोगों की याद आई गई और इसीलिए मैं लेकर आ गया तुम लोगों के लिए ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। हाँ, मेरी वीडियो बहुत टाइम से नहीं आ पा रही थी, इसी एक रीजन की वजह से फाइनली वो रीजन सॉल्व हो चुका है। मगर हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है कि अब से मेरी वीडियो रेगुलर आए। तो भाई लोगों, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटी वंटी उसमें पता ही कैसे बजाते हैं तो वो तुम खुद देख लो। तो लोग, न्यू सेटअप के साथ न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस सीरीज पे बात करने वाले हैं वो एक गेम शो के ऊपर बनी हुई है। नहीं मेरे भाई, ये स्क्वाड गेम और एलिस इन बॉर्डरलैंड से बहुत ही अलग है। भले आपको स्टार्टिंग में इसकी कहानी थोड़ी सेम लगे, मगर यकीन मानो गुरु, दाल में कुछ तो काला है। इस सीरीज की कहानी जितने देखने में सीधी लगती है, यकीन मानो भाई उतनी है नहीं। जब आप इस सीरीज के एक दो एपिसोड देख लोगे, इस सीरीज को कंप्लीट करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि हम इंसानों को जो जिज्ञासा होती है ना कि अब आगे क्या होने वाला है, इस सीरीज में क्या होगा, कैसे होगा, ये जानने की, वो हमसे कुछ भी करा सकती है। अब चाहे वो सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू सीरीज को देखना हो, मुझे पता यार मैंने अपनी नींद के साथ सैक्रिफाइस कर दिया, मगर यकीन मानो गुरु वो वर्थ इट था बिल्कुल। मगर इस सीरीज का नाम तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। मगर इसका नाम सुनते ही भागना नहीं है, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो झूठ बोलने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद तुम मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर ही दोगे। मुझे पता है यार कर दोगे, झूठ इतना बड़ा है, तो लास्ट तक देखते रहना। इस सीरीज का नाम है द 8 शो और ये एक कोरियन सीरीज है। इस सीरीज की जो कहानी है गेम शो के ऊपर बेस है। अब वो गेम शो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यार, थोड़ा पेशेंस। उससे पहले ये तो जान लो इस गेम शो को चलाता कौन है, उस गेम शो को बनाया किसने, ये यार इस सीरीज में बताया नहीं गया है, मुझे भी नहीं पता। तो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट कुछ ये है, ये आर्ट उन लोगों को लेके आते हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। कुछ खुदकुशी कर रहे होते हैं, कुछ अपने जिंदगी से इतने परेशान होते हैं, इतने कर्जे में डूबे होते हैं, ये साले उनको ही पकड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नहीं, ये इनको कैसे पता होगा, ये तो बाहर के। मगर इन आठों में से एक आध मस्त मौला भी है और यकीन मानो गुरु, इन मस्त मौलों को देखने के बाद तुम्हारा दिल तो कुछ पक्का नहीं होने वाला। तुम्हारा मन तो करेगा भाई मैं ही कूटूंगा इस बंदे को, शायद वो बंदी भी हो सकती है, कूटना फिर भी पड़ेगा। अब इन आठ लोगों को शो में करना क्या है, सिंपल है यार, थोड़ा ही बताऊंगा तुम समझ जाओ। मुझे पता है तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो पक्का समझ जाओ। इनका सिंपल सा काम है पब्लिक को खुश करो, टाइम बचाओ और पैसा कमाओ। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? इस सीरीज को देखने के बाद मैं सच बता रहा हूँ मेरा विश्वास उठ गया मेहनत से। आप लोगों ने ये तो सुना होगा टाइम इज मनी, मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये लाइन इस सीरीज पे बिल्कुल सूट करती है। अब मैं बता रहा हूँ, इसका जो डायरेक्टर है ना उसने बड़ी चालाकी से हमको बेवकूफ बनाया है। इस सीरीज में वो एक ऐसे एक्साइटमेंट छोड़ के चले जाता है कि भाई तुम मजबूर हो जाओगे अगला एपिसोड देखने के लिए कि भाई मुझे वो तो देखना पड़ेगा, जब ही पता लगेगा ये हुआ कैसे। ये तो वही बात हो गई जब आप किसी नई लड़की को मैसेज करते हो तो आपके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट रहता है कि अब सामने से क्या मैसेज आएगा, कभी वो भैया बोल के ब्लॉक ना कर दे। कुछ ऐसा ही सीरीज में दिखाया है, कुछ भी चल रहा है भाई। और इस सीरीज की जो स्टार कास्ट है मेरी नजर में भाई वो द बेस्ट। मगर आप कुछ पसंद ना हो तो जाकर खुद बात कर लेना, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं इसको लेकर। अब ये सीरीज आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए भाई, मेरा रिकमेंडेशन है बिल्कुल देखनी चाहिए, ऑसम सीरीज है, मजा आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका बिल्कुल भी। मगर हाँ, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस सीरीज को जब आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप अपने दिल पे हाथ रखे रहोगे यार इनके साथ ये हो कह रहा है, इतना गलत कोई किसी साथ कर सकता है? यकीन मानो गुरु, अगर वहां पे तुम भी होते ना तो तुम भी सालो यही करते, क्योंकि इंसान की फितरत ही है वक्त के साथ बदल जाए। मगर यकीन मानो गुरु, ये चीज इस सीरीज को और भी ज्यादा अच्छा बनाती है। इस सीरीज का नाम है द 8 शो और इसमें 8 एपिसोड है और 8 ही लोग हैं। ये जादू टोना कर रहे हैं मिलके हमारे साथ, जब इतनी अच्छी सीरीज बनाई है ना। ये सारा गेम पेशेंस का भाई, क्योंकि जो बेल्टें सुती हैं इनमें वो वही बता सकते हैं। जोक सपाट यार, मगर ये सीरीज सच में अच्छी है, तुमको जरूर देखना चाहिए। जब तो मैंने वीडियो बनाई इतनी मेहनत करके यार, तो जाओ नेटफ्लिक्स पर देखो इस सीरीज को। और जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भाई मेरे से उम्मीद तो बिल्कुल मत रहना, मेरे खुद रिचार्ज बहुत मुश्किल से हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं जो आपसे बड़े बड़े झूठ बोलने वाला था वो असल में ये था यार, चूतिया बनाया तुमको। तो हाँ गुरु, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा, बाय बाय।